इंट्रोडक्शन। दीदी मेन स्विच ऑफ किया था ना? कौन सा मेन स्विच? घर का मेन स्विच। एमसीबी? हाँ बेबी, दो दिन के लिए जा रहे हैं यार, क्या जरूरत है, रिलैक्स। नहीं ऑफ किया। अरे यार बेबी, दो दिन के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, बारिश का सीजन है, इट्स बेटर टू बी सेफ। भैया यू टर्न ले लो। क्या बेबी, हर चीज बतानी पड़ती है। ले लो भैया। अरे तुमने कबर्ड लॉक किए? कबर्ड लॉक चेक। अरे हाँ। अरे और चाबी थी नेबर को? हाँ बेबी दे दी, सब हो गया। एंड तुम एक और चीज भूल रही हो। क्या? मेन स्विच बेबी, मैंने मेन स्विच भी ऑफ कर दिया, एमसीबी डाउन। मेन स्विच ऑफ कर दिया? अरे यार बेबी, कल ही कोल्ड कप्स खरीदे थे, पूरा फ्रीजर भरा पड़ा है यार, ऑफ नहीं करना था। तुम तो बेबी दो ही दिन के लिए तो जा रहे हैं, क्या जरूरत थी यार, पूछ तो लिया करो। भैया यू टर्न ले लो। अरे मेरे कपड़े पड़े थे यहाँ पर, कहाँ गए? आयन में दे दिए। आयन में दे दिए? अरे बेबी मेरी हर चीज आयन में नहीं जाती है, कुछ चीजें बहुत डेलिकेट होती हैं। दिस वन वाज वेरी डेलिकेट, वो जला के ले आएगा तो, पूछ तो लिया करो। डू हैव हिज नंबर? अच्छा मैं इंटरकॉम करती हूँ। अरे आयन वाला नहीं आया आज? आया ना। तो कपड़े क्यों नहीं दिए? दे दिए। अरे तो मेरे क्यों नहीं दिए? अरे वो तुम ही तो बोलती हो ना बेबी, अब तुम्हारे वो। बेबी ये तो कॉटन के है ना, इन्हें तो प्रेस करना पड़ता है। क्या यार हर चीज बतानी पड़ती है। अरे वो इंटरकॉम से पूछो। क्या बन रहा है? चाय। मैं तो बियर्स ले आया। कितना टाइम क्यों लग गया वैसे? अरे यार वो चाय बंगला में इतना रश था ना फिश मार्केट की वजह से। फिश मार्केट? हाँ। Did you get fish? लानी थी क्या? अरे चार बंगला मार्केट गए थे तो फिश ले आते ना, कितनी फ्रेश मिलती है वहाँ पे, और हम तो वैसे कभी जाते नहीं है। क्या बेबी हर बात बतानी पड़ती है। सॉरी बेबी, नेक्स्ट टाइम। क्या बना रही हो? चिक्कड़ छोले। अरे छोड़ो चिक्कड़ छोले, फ्रेश फिश फ्रॉम चार बंगला, मैं वहीं से आ रहा था ना। फिश? हाँ। ये बेबी नवरात्रि चल रहे हैं, 9 दिन तक नो नॉन वेज, और अब तुम फिश ले आए हो, 9 दिन तक तो ये फ्रेश भी नहीं रहेगी, क्या जरूरत थी लाने की, एक बार पूछ तो लिया करो। बीच में एक दिन नहीं बेबी, नॉट एट ऑल, उठाओ उसको वहां से। अच्छा बेबी मुझे बहुत भूख लग रही है, आई एम गोना गेट डिनर फॉर माई सेल्फ, तुम्हारे लिए भी ले आऊं? ये करेले? हाँ। नहीं तो क्या खाओगे फिर? बेबी मैंने ऑर्डर कर दिया है बटर चिकन, दाल मखनी और मटन बिरयानी, प्लीज आई एम वेरी हंग्री। और बहुत इतना सब कुछ मंगा लिया बेबी, दोनों खाएंगे ना यार? यार अभी ना जबरदस्ती मुझे बाहर का खाना खाना पड़ेगा, यू नो आई लाइक टू ईट होम फूड, और जो घर पे बना है उसका क्या, वो फ्रिज में रख देंगे तो कल तो खाना ही पड़ेगा ना, आज ही खा लेते। बेबी तुम भी ना जस्ट एक काम करो, कॉल करो एंड फाइंड आउट, नहीं निकला है तो कैंसिल करो। अरे यार खाना आ रहा है घर पे तो घर का ही खाना हो जाएगा ना वो भी, प्लीज एक मिनट। हेलो, हाँ भैया वो खाना ऑर्डर किया, निकल गया, निकल गया, ठीक है चलो ओके। अरे यार अननेसेसरीली फ्रिज भरा रहेगा, नेक्स्ट टाइम डोंट ऑर्डर फ्रॉम मी, ओके? ओके बेबी आई रिमेम्बर। बेबी कम, खाना लगा दिया है, आ जाओ। नहीं बेबी तुम खा लो। तुम नहीं खाओगे? क्यों? बेबी मैंने अपने लिए मटन ऑर्डर कर लिया। अपने लिए? मेरे लिए नहीं ऑर्डर किया? तुम तो बाहर के खाती नहीं हो ना। अरे बेबी यू नो हाउ मच आई लाइक मटन यार, एक बार पूछ तो लेते। हाउ मीन। अब ऑर्डर करूं कि नहीं करूं? लिसन लिसन, एक काम करो, बेल ऑफ कराओ यार, उस लेट हो गया ना, वो सुबह मेड आके उठा देगी, प्लीज सोएंगे ना फिर तो डिस्टर्ब होंगे। बेब्स, बेल तुमने ऑफ की थी क्या कल? हाँ। क्यों? अरे बेबी सुबह वो मेड आती, बेल बजाती, नींद खराब हो जाती हमारी, और पार्टी के बाद तुम ही तो बोलती हो ऑफ कर दिया करो। अरे उस दिन पार्टी किसी और के घर पे थी, कल हमारे घर पे पार्टी थी, अब इतना मैस है उसको कौन क्लीन करेगा? आई वॉज वेटिंग फॉर द मेड, पूछ तो लिया करो। You know what they say? First listen to your heart, then your brains, your instincts, your gut feeling, and finally you'll get an answer from your wife, if you're married. लेकिन हमारे घर में पता क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कि शालिनी का दिमाग, her heart, instinct, gut feeling change होती रहती है. So I don't get an answer. And the final answer that I have is this.
By the way, how do you like my t-shirt? Hmm? Very nice. And how do you like mine? How do you like mine? Very nice. Actually, I like yours better. Yeah, I like yours. Exchange kare? Nice. Love and peace from me to you.